दिव्य शक्ति दायिका प्रसन्नता विदायिका सुखश्रया सुधा प्रदा सुचारुकण भूषिता सुपंचशील पांचजन्य गोसनंदित प्रजा प्रणम्यतम प्रणम्यतम च भारती वसुंधरा। भारती के चरणों में मेरे कोटि कोटि वंदन। गांधी की भूमि गुजरात में कच्छ की बेटी जयनी सा का नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा देश कितनी विविधताओं से भरा हुआ है, अनेकों भाषाएं, अनेकों बोलियां, अलग अलग खान पान, कितना कुछ अलग है, लेकिन मेरा भारत एक है, मेरा भारत श्रेष्ठ भारत। यानी कोटी कोटी सामान्य जन के खून पसीने आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की सामने शक्ति भारत। यानी रंग अनेक तिरंगा एक भारत। यानी पंथ अनेक लक्ष्य एक भारत। यानी समाज ने भाव एक भारत। यानी रिवाज ने मूल्य एक भारत। यानी भाषा अनेक अभिव्यक्ति एक भारत। यानी राज्य अनेक राष्ट्र एक भारत। में रास्ते बड़े अलग अलग है, लेकिन गंतव्य एक ही है, मंजिल एक ही है, और ये मंजिल है एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को दुनिया ने भी श्रेष्ठ न माना है। आज तक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भारत के 40 स्थान शामिल हुए, जो हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए इतिहास और आस्था का मूल भाव है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारे यहाँ जो द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है, उन्हीं की शुरुआत सौराष्ट्र सोमनाथम के साथ सोमनाथ मंदिर से ही होती है। पश्चिम में सोमनाथ और नागेश्वर से लेकर पूर्व में वैद्यनाथ तक, उत्तर में बाबा केदारनाथ से लेकर दक्षिण भारत के अंतिम चौक विराजमान श्री रामेश्वरम तक ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करती है। हमारी इस आध्यात्मिकता ने सदियों से भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में और आपसी संबंध स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। तुम सभी का दायित्व है इसे निरंतर मजबूत करना। हमारा देश श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन राष्ट्र निर्माण की बात है, आज भी कुछ बदलाव जरूरी है, जैसे कि महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी। मेरे जगह श्रीमत तक सबको होगा जब स्वच्छता अभियान लेकर सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले नागरिक हाथ बिटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल में महाराष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्यान्ह भोजन के लिए नहीं बिना अड़चन के लिए सरकार की चौखट पे कदम रखेगा। और हमारा निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से हटी जाति रूप से भ्रष्ट मानसिक रूप से निवाले धार्मिक रूप से अंधा राजनीतिक रूप से गंदा स्वैच्छिक पान मूल्य की आंखों में चिन्ह चिन्ह पैपंड अखंड खातों को खंड खंड करता रहेगा, तब तक महाराष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं छोटी छोटी कोशिशें करने होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थर सीधा करती है। मैं सेलिब्रेट करना चाहूंगी इस थर्ड पर दिन रात हमारे सुरक्षा के लिए खड़े उन जवानों को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसानों को, और उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मान लू पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा रहता है। और आज इस मंच पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत की बेटी ला करती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तो शुभ होगा। हम सभी मैं आप हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है पूरे देश को आगे ले जाने की, हमें राष्ट्रवाद ले जाने की, हमें वतन